अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज वेज में लंच में बना रही हूँ मैं मेथी कीमा और ये भिंडी की भाजी और यही बना रही हूँ। बहुत लेट हो गया मेरे को, तो शुरू करती हूँ। पहले भिंडी बनाती हूँ। तो मैंने भिंडी काट के रख ली ऐसे, इसमें हरी मिर्ची डाली चार, उसके लिए प्याज ली। भिंडी प्याज बना रही हूँ तो प्याज चाहिए उसमें। ऐसा ये देखो दिख रहा है। चलो अभी बनाती हूँ, डालती हूँ ऑयल। भिंडी में थोड़ा ऑयल ज्यादा लगता है, थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा चाहिए। प्याज डाल दी, डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। और इसको थोड़ा अभी ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, नरम जैसा ना प्याज को। ये देखो ऐसी ऐसी प्याज ऐसी लाल हो गई है थोड़ी। इसमें एक टमाटर डाल देंगे आधा है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा गलने देंगे। भिंडी के लिए ये इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पक, आपको तभी टमाटर का पानी सुखा देने का है। इसमें टमाटर अच्छे से गल जाएगा ना तो भिंडी पूरी चिपचिप हो जाएगी। थोड़ा पानी इसका एकदम, टमाटर देखो ऐसे एकदम गल गए तो पूरा से जला लेने का, इसके अंदर ही पूरा पानी सूख जाएगा टमाटर का। थोड़ा ऑयल छोड़ने लगेगा ना तब आपको भिंडी डालना है इसमें। तो थोड़ा और रखती हूँ। ये देखो गाइस इसका ये हो गया, तो भिंडी मैंने काट के रख दी थी। इसमें सब ये मिर्ची, हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, चार हरी मिर्ची। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से करना। डालूंगी इसमें थोड़ा नमक, थोड़ा ही डालते हैं हम लोग नमक। हाँ थोड़ा सा नमक बस, बहुत अच्छी लगती है ये भिंडी ना। इसको अच्छे से मिक्स कर लो आप पहला। देखो गाइस इसको अच्छे से मिक्स कर ली मैंने, पहले ऊपर नीचे पूरा सब कर ली। और इसको स्लो करके है ना दूसरे गैस पे चढ़ा देते हैं, एकदम स्लो पे पकने दे रहा है इसको। अरे अल्लाह गैस ही बंद हो रहा है। देखो आज बना रही हूँ मैं ये मेथी कीमा। ये मेथी ली हूँ, इसको वॉश कर लिया अच्छे से। खड़े मसाले का सब कीमा, ये कीमा है, इसको भी अच्छे से वॉश करके रख ली हूँ। इसमें डालूंगी ये बघार के लिए प्याज है एक, जीरा है, दो बड़ी इलायची है, चार लौंग है, पांच छह काली मिरी है और एक ये दालचीनी का टुकड़ा। इसमें डालूंगी तेल, तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे प्याज सब खड़े मसाले। डालूंगी इसमें ये थोड़ी सी हल्दी। और बाकी मसाले मैंने ली हूँ, एक टमाटर ली हूँ, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ली हूँ, ये बाद में डालेंगे। प्याज जब थोड़ी लाल हो जाएगी ना उसके बाद डालेंगे सब। देखो मैंने प्याज डाल दी ना इसमें, प्याज डाल के थोड़ी लाल करूंगी, हल्दी डाल दी। प्याज को अच्छी लाल कर लेने का थोड़ा। भिंडी को भी चला ली मैंने, भिंडी भी हाँ स्लो पे पक रही है अपने। देखो गाइस लाल हो गई है प्याज, बताई थी ना टमाटर है, हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची है, सब डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, सबको भून लेंगे अच्छे से। इसको पानी डालती हूँ, इसको अच्छे से भून लेंगे। सब अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह अच्छे से भून लो। ये तो खड़े मसाले का वो है कीमा है, फटाफट है, वो बिगनर लोग भी बना सकते हैं, बैचलर भी होते हैं ना बैचलर, वो भी बहुत जल्दी बना सकते हैं, कुछ पीसने पासने का लफड़ा नहीं है। ये देखो ये अच्छे से भून गया, ये मैं डाल दूंगी अभी कीमा। मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स करती हूँ। मेथी भी डाल दूंगी इसके अंदर ही। मेथी में लाते हुए पेपर में बांधते रखती हूँ, आठ आठ पंद्रह पंद्रह दिन ऐसी रहती है मेरी मेथी एकदम। डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक आपके
स्वाद के अनुसार ले लो। हम लोग तो थोड़ा ही खाते हैं। अच्छा आप लोग भी थोड़ा ही खाओ। अरे कीमा मेरी मम्मी के स्टाइल का है, जैसे मेरे हम लोग किधर देख के नहीं बनाते, जैसे भी मेरी मम्मी ने सब सिखाई थे वैसे ही बनाते हैं हम लोग सब कुछ। तो अच्छे से मिक्स कर लो। और इसमें डाल दो पानी कीमा गलने के लिए, थोड़ा और डालती हूँ। कीमा अपना पानी भी छोड़ेगा। मिक्स करके अच्छे से इसको पकने रख देते हैं। इसको ढक के पकने रख दो। जब तक कीमा हो रहा है गाइस, तो मैं वाटरमेलन जूस बना रही हूँ। हम लोग रोज पीते ही फ्रेश। देखो गाइस ये बना दी वाटरमेलन जूस। फ्रेश जूस हम लोग फ्रेश ही पीते हैं। ऑरेंज जूस हो या ये कुछ भी हो तो मैं ऐसा फ्रेश ही निकाल के करती हूँ, डब्बे वाला नहीं पीते हम लोग। देखो गाइस ये इसका भी पानी सूखने आया है थोड़ा, बाकी है और तो खुशबू आ रही है ना मेथी की, कीमा और मेथी बहुत टेस्टी लगता है, ये खाने में अच्छा लगता। तो मैंने सब निकाल लिया, उसका बड़ी इलायची वो सब आता है ना, बहुत मुंह में गुस्सा आता मेरे को बहुत, वो खाली मेरी सब आती है। तो इसको थोड़ा पकने दूंगी तब तक मैं जूस पीती हूँ। और देखो ये मैं रखी हूँ तो वाटरमेलन का ना, ये मेरे चिड़िया लोग खाते हैं, लोग के लिए रखती हूँ ये। बर्ड्स मेरे बहुत शौक से खाते हैं ये सब। देखो गाइस अभी इसको भूनने का काम है, अंदर पानी है ना, थोड़ा पानी सूख जाएगा तो इसको अच्छा भूनना है। कम से कम 10-12 मिनट इसको भूनने का है। मेरे खाने में मसाला मतलब भूनना बहुत ज़्यादा रहता है, और स्लो पे भूनने का। गैस को थोड़ा स्लो कर दो, उसको आराम से भूनते रहो एकदम, जब तक इसको ऑयल साइड से ऑयल नहीं आ जाता ना। साइड से ऑयल आएगा समझो अपना आपका सालन हो या कुछ भी हो भून गया। देखो ये बड़ी इलायची को निकाल रही हूँ, खराब लगती मेरे को सभी, लेकिन डालना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो भूनते रहूँगी फिर बताती हूँ आपको। देखो गाइस इसको ऐसा भून रही हूँ मैं आस्ते स्लो पे, स्लो पे भूनते रहने का। कभी भी कोई भी चीज़ है ना भूनने के लिए सुबह स्लो पे रखने का, हाई फ्लेम पे नहीं करने का कभी भी कुकिंग को ना ऐसा। तो वो 10 मिनट भूनने पड़ेगा मेरे को स्लो पे। इसको उसमें कुछ पानी वानी नहीं रहता, ड्राई रहता ही। देखो गाइस एकदम अच्छे से भून गया है ये पूरा सब, इसका तेल भी छूट गया है। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, मेरे को जरूरत नहीं है। देखिए तो रख डिश आउट करके बताती हूँ आपको। देखो रोटी बना रही हूँ मैं। हम लोग की रोटी बड़ी और पतली रहती है, मेरे को मोटी रोटी पसंद नहीं है। मोटी मोटी रोटी हम लोग नहीं खाते, मेरे को पतली रोटी चाहिए। ट्वेंटी की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। देखो मैं दो ही रोटी बनाऊंगी ना, हम लोग वो दो ही तीन बनाते हैं, जब चाहिए शाम को अलग बनाते हैं, तभी खाने का तभी। Thank you.